अभी आपके प्लेट में आपके सामने रखा है पंजाब की पिन्नी, कर्नाटका का मुरक्कू, वेस्ट बंगाल की झाल मुड़ी और गुजरात का ड्राई फ्रूट बर्फी। शार्क्स, कितना अमेजिंग है ना कि यहाँ पे मुंबई में बैठे बैठे आपको लिटरली इंडिया के चारों कोनों के डिलीशियस खाना मिल रहा है। इंडिया में इतने डिफरेंट एथनिसिटीज और कम्युनिटीज है एंड सबके डिफरेंट डिफरेंट फूड कल्चर्स, चाहे आप इंदौर के पोहा की बात कर लो या बैंगलोर के क्रंची मुरक्कू की, चाहे आप बंगाल के फ्रेग्रेंट गोविंदोभोग राइस की बात कर लो या पंजाब के डोडा बर्फी की, इंडिया की फूड डाइवर्सिटी इज जस्ट अमेजिंग। और इसी इंडिया की अमेजिंग फूड डाइवर्सिटी को स्पॉटलाइट में लाने के लिए और लाखों घरों तक पहुँचाने के लिए हमने द स्टेट प्लेट की शुरुआत की है। द स्टेट प्लेट एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं एंड उसे पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। पहले हम रीजनल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो सबसे टॉप या आइकॉनिक ब्रांड्स हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। अक्सर ये भी होता है कि बहुत सारे रीजनल प्रोडक्ट्स की कोई बड़ी ब्रांड नहीं होती है या वो अनलेबल्ड पैकेजिंग में ही बिकती है, उनके लिए हमने द स्टेट प्लेट की अपनी ब्रांड भी स्टार्ट करी है। ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और हमने आज तक 40,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं। इसी बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए शार्क्स आज हम आपसे मांगने आए हैं 65 लाख रुपए, जिसके लिए हम अपने कंपनी का 2% स्टेक आपको देना चाहते हैं। तो शार्क्स, कौन जुड़ना चाहता है हमारे साथ इन मेकिंग स्टेट प्लेट द नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एथनिक फूड। बिफोर वी गेट इनटू Q&A, थैंक यू सो मच गर्ल्स। Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद। So welcome to Shark Tank. Thank you, Ashni. इससे पहले e-commerce कर चुके हैं, startup में काम कर चुके हैं, आपका क्या background है और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? Sharks, मैं वैसे बैंगलोर में born and brought up हूँ, राघव कोलकाता में born and brought up है, हम 22 साल के हैं, तो हम लास्ट ईयर हमने ग्रेजुएट किया है फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हमने वहाँ पे अपना बीकॉम ऑनर्स किया था। एसआरसीसी तो दिल्ली में है ना? हाँ, एसआरसीसी दिल्ली में, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक दूसरे से। कॉलेज के बाद हम दोनों की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में जॉब्स थी, बट उस टाइम कोविड आ गया था, हम दोनों अपने अपने होम टाउन में थे, राघव कोलकाता में और मैं बैंगलोर में। तब हमें ये आइडिया आया, हमने स्टार्ट किया। राघव ने अपनी जॉब 3 महीने के लिए ज्वाइन कर फिर छोड़ दी और मैंने ज्वाइन नहीं करी, तो फिर हम दोनों तब से स्टेट प्लेट चला रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए इस बात को। तो आप एसआरसीसी से हैं, तो मतलब आपके तो 99.5 होंगे और आपके 99.8 होंगे, ऐसे कुछ होंगे ना मार्क्स? आप 2 मिनट और पढ़ लेते 100 ही आ जाते हैं। हाँ, क्या क्या है मार्क्स? 98.5%। विजन क्या है आपका, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं और विजन क्या है? What we want to do, जिस तरह से हल्दीराम ने भुजिया को बड़ा बनाया, आज के दिन भुजिया सबजन खाते हैं, उस तरह से हम चाहते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है उसके एक ब्रांड आए, लोगों के अंदर से वो ट्रस्ट आए एंड फिर लोग मुरक्कू भी खरीदे, गोविंदोभोग राइस भी खरीदे। तो आप हल्दीराम बनाना चाहते हैं न्यू एज? हम स्टेट प्लेट बनाना चाहते हैं विच विल बी अ प्लेटफॉर्म और उसके अंदर बहुत सारे हल्दीराम जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ब्रांड्स रहेंगे। मुस्कान राघव, हर चीज हर टाइम नहीं बन सकते। अगर हम पूछे कि एक चीज बताओ आप क्या करना चाहते हैं, तो क्या होगा? अभी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें डेफिनेटली प्लेटफॉर्म और D2C दोनों रिटेन करने हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपना प्राइवेट लेबल उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया अलग अलग कैटेगरीज में। मे बी अगर हमें कुछ उभरते हुए कैटेगरीज रियलाइज होंगे तो शायद फिर हम उन्हीं में घुस जाएंगे। तो आपकी सेल्स कितनी है? आज तक टोटल 15 महीने में हमने 4.25 करोड़ की सेल कर ली है। 4.25 और अभी लास्ट के 2-3 महीने की एवरेज की बात करेंगे तो लास्ट के 2-3 महीने एवरेज हमने 40 लाख पर मंथ किया है। 40 लाख पर मंथ at marketing cost of around 15%, to 6 lakh se 7 lakh ke beech aap maan well done to profitable hai nahi abhi hum burn kar rahe hain kyun kyun aisa agar aap 40 lakh rupaye kar rahe hain mahine ke 15% khali customer acquisition pe kharcha kar rahe hain to baki kahan lag raha hai maal to aapka private label bech rahe ho jaise private label humne 2 mahine pehle chalu kiya hai उससे पहले तक हम खाली एक मार्केट प्लेस मॉडल थे जहाँ पे हम प्रोडक्ट सोर्स करके लिस्ट करते थे एंड सेल करते थे, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 34% था। उसके बाद अराउंड 14-15% हमारा शिपिंग में चला जाता है, 15% एक्विजिशन में चला जाता है, 2-3% ट्रांजैक्शन चार्ज पैकेजिंग चार्ज में चला जाता है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 में हम ब्रेक इवन कर जाते हैं। तो अभी कितना हो गया ग्रॉस मार्जिन प्राइवेट लेबल इंट्रोड्यूस करने के बाद? मार्केट प्लेस से 30% आता है, प्राइवेट लेबल से 50% है, तो लास्ट 2 महीने में हमने 20% सेल्स हमारी प्राइवेट लेबल से की है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो आपने खिलाए ये प्राइवेट लेबल के हैं कि ये लोकल है? खाली झाल मुड़ी को छोड़ के तीनों हमारा प्राइवेट लेबल है, खुद मैन्युफैक्चर हम नहीं करते। तो जैसे फॉर एग्जांपल गोविंदोभोग राइस है, ये राइस की बहुत सारी मिल्स होती है वेस्ट बंगाल में, तो हम अलग अलग मिल्स को कॉन्टेक्ट करे जिनकी कैपेसिटी अच्छा है वो डायरेक्टली फार्मर्स से सोर्स करते हैं,
तो उनसे बात करते हैं, पैकेजिंग उनके पास पहुंच जाती है, वो हमारी पैकेजिंग में करके हमें भिजवा देते हैं। ब्रांड्स में ये कुछ स्टेट प्लेस के बॉक्सेस दिख रहे हैं मुझे, और नीचे कुछ चार पांच अलग अलग आइटम्स हैं, वो क्या है देख लेते हैं। हाँ, हम और अभी आपने इन्वेस्टमेंट भी रेज किया एंजल। सो पहले 12 महीने तक हमारा खुद का बूटस्ट्रैप था, उसके बाद अभी लास्ट सितंबर में, इस सितंबर में हमने एंटलर इंडिया से फंड्स उठाए हैं। कितने पैसे उठाए आपने? हमने 1.3 करोड़ उठाए उनसे। एंटलर इंडिया एट व्हाट वैल्यूएशन? 13 करोड़। 10% दिया आपने? हाँ जी। आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है? अराउंड 40 लाख। इक्विटी 50-50 है ना? अभी दोनों 50-50 है। हम 40-40 है, 10% हमारी ESOP पूल सेट असाइड है और 10% अभी एंटलर होल्ड करता है। और CEO कौन है बिजनेस में? मैं। और आप ऑपरेशंस देखते हैं? तो मेरा डिसीजन बन चुका है, बिजनेस अच्छा है, 22 इयर्स में शुरू किया, दैट्स ग्रेट, लेकिन इस बिजनेस में एक तो मैं एक्सपर्टीज नहीं दे पाऊंगी, सेकेंडली वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये खाना निकाल दें यहाँ पर। हाँ। और मेरे को ये रीजनल फूड डिलीवर्ड टैगलाइन निकाल दें। हाँ। और द स्टेट प्लेट में देखूं। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है, राइट? माय माउथ विल नॉट वाटर, मुझे कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं फील होगा। नहीं, मेरे को ये बताओ, जैसे क्या होता है ना, 10-10 रुपए में भुजिया बिकती है, छोटे छोटे पैकेट में, 15 रुपए का, 5 रुपए का पैकेट, वो इसलिए बिकती है क्योंकि मार्केट बढ़ जाती है, करेक्ट? तो आप अभी जो नीश मार्केट में कर रहे हो, उसे मास में कन्वर्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो ये है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ बस। क्यों, मेरे सवाल का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है? आपका सवाल ही नहीं था। सवाल था ना मेरा, मेरे को लगा आपने ज्ञान दिया था। तुम सुनते नहीं हो। बाकियों से पूछ लो, सबको ये लगा कि आपका हो गया। आई थिंक नहीं, उनका बोल दो पहले, कोई बात नहीं, कैन कम बैक टू। आई थिंक दोनों का एक सिमिलर आंसर ही होगा, दैट इज जब हम बेसिकली हमारा एंड विजन इज जो हमें अभी लग रहा है विल वर्क द बेस्ट इज द हाउस ऑफ ब्रांड स्टोरी, विच इज हैविंग इंडिविजुअल ब्रांड्स फॉर एन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? आज के दिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जो मुरक्कू खा रहे हो, जनरल स्नैक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कर्नाटका में ही चलेगा, बट इसकी लाइक देयर इज नो बिग ब्रांड जो कि आप आज जानते हो फॉर मुरक्कू। जैसे भुजिया के लिए हल्दीराम बना, वैसे मुरक्कू के लिए आज तक कोई बना नहीं है कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो हिडन ट्रेजर्स है उसको बड़े स्टेज तक लेके आना है एंड सबको मार्केट करके उसका एक ब्रांड बनाना है। तो आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है? एथनिक फूड स्नैक्स कंपनी? एथनिक फूड नॉट स्नैक्स, एवरी ऑल कैटेगरी। व्हाई नॉट, स्नैक्स इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ना। स्नैक्स जरूर लार्जेस्ट है, बट जो रिपीट यूज केस बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे वो चावल घी ये सब। आप चावल घी मतलब किस टाइप का? लूज चावल घी? आई थॉट यू आर बिल्डिंग अ स्नैक्स कंपनी। नहीं, तो हम अक्रॉस कैटेगरीज कर रहे हैं एक्चुअली। नाम है गोविंदो भोग राइस, जो कि एक फ्रेग्रेंट राइस होता है जो सिर्फ बंगाल में ही प्रोड्यूस होता है। और मतलब जैसे बिरयानी या कुछ प्रोडक्ट्स इससे बहुत अच्छे बनते हैं, सो दिस इज नॉट बेसिक जो बासमती राइस होती है। जैम्स भी हम करते हैं, फिर माउथ फ्रेशनर्स भी हम करते हैं। तो आप रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू पैकेज सेगमेंट में पूरा बेचो? पैकेज सेगमेंट में सारा बेचो? हाँ। मुस्कान राघव, मैं ना यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ और करता हूँ, ठीक है, बट दिस इंडस्ट्री इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एट आफ्टर अ स्टेज द ग्रोथ प्लेटोस, फॉर दैट रीजन अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। और मैंने भी यार ये ग्रोफर्स में बहुत देखा है, हम भी वहाँ पे प्राइवेट लेबल बनाते थे। चैलेंज ये है कि जो रेलिवेंट रिटेलर हैं उन सबको अपने प्राइवेट लेबल बनाने हैं, और मेरे को दूसरी साइड की स्टोरी नहीं दिख रही जहाँ पे मेरे को लगे ये डिमांड साइड पुल बन जाए ऑटोमेटिकली, कि हल्दीराम जैसा कोई ब्रांड बन जाए कि रिटेलर को ही रखना पड़े। तो इस कारण से मेरे को लगता है टफ है, इसलिए मैं इससे बाहर। बिजनेस तो मतलब ये बड़ा बनेगा, पक्का बनेगा, बिकॉज प्रूव अस रॉन्ग, यू आर, यू नो, दैट इज अमेजिंग, वी विल फॉर श्योर। मैं आपको 65 लाख ऑफर करने के लिए रेडी, लेकिन मेरे को एक ही प्रॉब्लम है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपको एक स्पेशलाइज्ड ग्रोसरी कंपनी बनानी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर आपको एक एथनिक फूड स्नैक्स कंपनी या डेलिकेसीज बोल लीजिए, नॉट जस्ट स्नैक्स, बनानी है, ब्रांड बनाना है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है। अभी आई थिंक हमें प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें सारे कैटेगरीज रहेंगे। हमें लगता है कि अगर हम पूरा कैटेगरी देते हैं तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। आज के दिन बिग बास्केट भी ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के आसपास एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख पा रहा है इवन एट टुडेज डेट, बिकॉज उनके पास ब्रेथ बहुत अच्छा है। लॉजिकली स्पीकिंग राघव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ऐसा सोचते हैं ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे
बास्केट साइज बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन्स बढ़ेंगे एंड आई विल मेक अ बिग बिजनेस. लेकिन आप असली में देखने जाए ना तो कंज्यूमर साइकोलॉजी जब सोचते हैं तो ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ब्रांड स्टोरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप एक ब्रांड लेके या दो ब्रांड लेके, चार ब्रांड लेके आप एक साथ में नहीं बढ़ा सकते. आपको फर्स्ट तीन चार हीरो प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आगे बढ़ पाएंगे. मैं आउट हूँ इससे क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेयर यू आर गोइंग, लेकिन आप दोनों बड़े अच्छे लगे, कुछ बड़ा काम करोगे, गुड लक. ऐसा नहीं है कि अभी हम स्नैक्स में कुछ भी नहीं कर रहे हैं. जैसे आप देख सकते हो कि मुरक्कू हो गया, वो बाहर हो गए. नहीं नहीं, आप स्नैक्स में कर रहे हो कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ स्नैक्स करना चाहिए. अब वो आउट हो गए, तो वो हम ये आउट हो गए. आप पीयूष में चारों बाहर हैं, हम इनसे बात करेंगे, ये वापस इनमें आएंगे. कोई चीज अगर हल्दीराम 100 रुपए की बेच रहा है तो आप कितने की बेचते हो? अराउंड आप 15-20% मान सकते हो एक्स्ट्रा. तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 20 लाख फॉर 3% इक्विटी एंड 45 लाख डेट इज माय ऑफर. और मुझे लगता है कि इसमें काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू मैं लाऊंगा जिसके लिए मुझे इक्विटी चाहिए. तो आई थिंक एक चीज हमने बिकॉज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले 13 क्रॉस की वैल्यूएशन पे उठाया है. मेरे हिसाब से आपको इशू नहीं होगा, आप जाके अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं कि नहीं उनकी बात नहीं है, बट इट्स अबाउट अस. हमें डाउन राउंड तो नहीं करना. नहीं, ये डाउन राउंड नहीं है, मैं भी नहीं चाहूंगा कंपनी का डाउन राउंड हो. एक मिनट हम लेना चाहेंगे. या प्लीज ले लो. मेरे हिसाब से तो भाई नहीं करना चाहिए. इतना बेस्ट ऑफर दे दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द ऑफर पीयूष. हमारा एक काउंटर ऑफर है, या तो हम 20 लाख फॉर 1.5% कर सकते हैं या 40 लाख फॉर 3% कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके 1.5% या 3% जो भी आप दोगे बहुत बड़ा बना के देंगे आपको. चलो 3% 30 लाख, 35 लाख डेट. दिस इज द बेस्ट ऑफर. इसको 40 लाख कर देना है. 3% 30 लाख, दिस इज द बेस्ट ऑफर. ये 10-20 लाख की गेम खेल के बहुत ज्यादा होगा. 3% 30 लाख, यस और नो? प्लस 35 लाख डेट. चलो लाख फॉर 3%. हम सच बता रहे हैं आपको 10 लाख बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, बट हम नहीं चाहते जो हमने लास्ट 3 महीने पहले जो वैल्यूएशन पे हमने उठाया था उससे हम नीचे आए. चलो 40 लाख 3%, डील डन. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Now do make it bigger. Yes. For sure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, guys. All the best. Thank you.